सौंदर्य का न्यूज राइटिंग में मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की ओर। आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के मौके पर सोनिया गांधी झंडा रोहण करेंगी और तभी झंडा नीचे आ गया। वहीं आज देश के लिए अच्छी खबर सामने आई है जिसमें 2 नई वैक्सीन मिलती हुई नजर आई है, साथ ही इसके इमरजेंसी यूज के लिए अब अनुमति दे दी गई। वैक्सीन पर 30 गुना तक मुनाफा कमा रही है वैक्सीन कंपनियां, गरीब देशों को गिड़गिड़ाने पर भी नहीं दी जा रही वैक्सीन। धीरूभाई अंबानी और अटल डाटा का आज जन्मदिन है, साथ ही इनकी कुंडली के सितारे भी मिलते हुए नजर आए हैं जिसी के चलते हुए इन्होंने अपनी तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के अंदर अब एक नई कार शामिल हो गई है जिसका दर्जा देके 47 सहित गोला बारूद से भी नहीं होगा कोई भी नुकसान। व्हाट्सएप के ऊपर ईमेल पर सर्कुलेट करने पर अब रोक लग गई है, हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है तो साथ ही उन्होंने कहा कि इन पर कार्रवाई की जाए। मेडिकल के नाम पर बीजेपी से इस्तीफा देने वाले मंत्री रावत ने कहा कि मैं तो धमका करके ही काम करवाता हूँ। वही आरबीआई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाने के ऊपर है तो वही कानूनी सलाहकारों ने इसे जल्द फैसले में लेने को कहा। सर्विस अगले साल से मिलना शुरू हो जाएगी जिसमें अहमदाबाद मुंबई दिल्ली सहित कई राज्यों के अंदर इसकी शुरुआत की जाएगी। इस साल सोने चांदी के ऊपर जिंक और कॉपर भारी बढ़ता हुआ नजर आया है, 34% तक इसमें ज्यादा असर इसमें देखने को मिला। ओमिक्रॉन का कहर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला है जिसमें इतने दिनों बाद पहली मौत ओमिक्रॉन से देखने को मिली है तो वहीं 11,000 लगभग फ्लाइटों को कैंसिल किया गया। निगम के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है भाजपा के ऊपर जिसमें आपने कहा कि भाजपा 50 से 75 लाख रुपए में खरीदती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के अंदर मिड डे मील के अंदर छिपकली मिलती हुई नजर आई है जिससे 80 बच्चे बीमार होते हुए नजर आए। 225 साल के अंदर मनोहर कैबिनेट का पहला विस्तार देखने को मिला है जिसमें आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो उन्हें पॉजिटिव मिलने के बाद में अस्पताल के अंदर कोलकाता के भर्ती कराया गया। लीडर अमित मिश्रा के परिवार के ऊपर हमला देखने को मिला है जिसमें बूढ़े माँ बाप सहित पत्नी और छोटे भाई के ऊपर भी यह हमला किया गया और सरिये से और रॉड से यह हमला देखने को मिला। कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज लेने के बाद में युवक की हालत हुई गंभीर और वहीं उसकी हुई मौत, साथ ही उसे वैक्सीन लगवाने के बाद में तबीयत खराब होने का अंदेशा लगता हुआ नजर आया। रोहित शर्मा को लेकर के रवि शास्त्री का कबूलनामा सामने आया है जिसमें टेस्ट में ओपनिंग करवाने को लेकर के उन्होंने रणनीति का हिस्सा बताया। चीनी कंपनियां मक्के से बना रही हैं फर्जी शहद और इसे खा करके ब्रिटेन के अंदर कई लोग बीमार होते नजर आए तो साथ ही साथ सुपर मार्केट में बिकता हुआ भी नजर आया। डीएसपी तौलिया के अंदर ही घर से बाहर आ गए और वहीं कार पर टूर के चक्कर को लेकर के यह विवाद देखने को मिला और लाठी डंडे सहित इसमें घूसे भी देखने को मिले हैं। राजस्थान में कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ और इसी को लेकर के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बैग सहित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखने की चेतावनी दी। राजस्थान के अंदर ओले गिरने की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। आप सभी को बता दो कि कोटा सहित कई शहरों में 1 इंच तक बारिश देखने को मिली। यहाँ चांदी 300 रुपए तो सोना 200 रुपए सस्ता होता हुआ नजर आया है, साथ ही इसमें पेट्रोल और डीजल की रेटों के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। राजधानी जयपुर के अंदर रजिस्ट्रेड डॉक्टरों का आज कार्य बहिष्कार देखने को मिला है 2 घंटे तक, साथ ही उन्होंने पैदल मार्च भी निकाला। अब लंग्स ट्रांसप्लांट की सुविधा भी दी गई है जिसमें 20 लाख रुपए तक यह इलाज किया जाएगा और साथ ही साथ ये पहले के मुकाबले कम मात्रा में देखने को मिल रहा है। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।